ये देखिए एक महान इंसान ने क्या कहा है। कितनी अच्छी बात कर रही है ना, अब समझ में आया मुझे ये हार्ड जॉब क्यों मिलते हैं। खैर, बिल्लू भाई ने जो भी कहा है वो अंग्रेजी में कहा है, और अंग्रेजी लैंग्वेज में पहली चीज क्या सिखाते हैं, ए बी सी अल्फाबेट्स। अल्फाबेट से मिलकर बनते हैं वर्ड्स, और वर्ड से मिलकर बनते हैं सेंटेंसेस। इसके अलावा ग्रामर, स्ट्रक्चर, पंक्चुएशंस, ये सब की खिचड़ी बनती है और तब जाकर भावनाएं बाहर आती हैं। बिल्कुल वैसे ही पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए भी हमें इसकी ABCD सीखनी पड़ेगी, जिसे कहते हैं पाइथन कैरेक्टर सेट। तो जैसे इंग्लिश में ए से लेकर जेड तक के अल्फाबेट्स होते हैं, वैसे ही पाइथन में ये सिंबल्स या कैरेक्टर्स अलाउड होते हैं। बेसिकली काफी कुछ जो आप कीबोर्ड से डायरेक्टली टाइप कर सकते हो। पाइथन में जो हम प्रोग्राम लिखते हैं उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट को टोकन कहते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंग्लिश में कोई इंडिविजुअल वर्ड या पंक्चुएशन मार्क होता है। तो पाइथन में 5 तरीके के टोकन्स होते हैं, आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स एंड पंक्चुएटर्स। तो सबसे पहले देखते हैं आइडेंटिफायर्स, जिन्हें नेम्स भी कहते हैं। आइडेंटिफायर इज द नेम गिवन टू द एंटिटीज लाइक क्लास, फंक्शंस एंड वेरिएबल्स। सिंपल एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करूं तो ये बताओ ये कौन है? जी हाँ, टॉम क्रूज। और ये तो पता ही होगा, दीपिका। तो ये टॉम क्रूज और दीपिका एग्जैक्टली है क्या? अजी, ये नाम है जो कि किसी पर्सन को डिनोट कर रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही पाइथन में किसी चीज का जब नामकरण करते हैं तो उस नाम को आइडेंटिफायर कहते हैं। जैसे मूवी _ID, ये एक आइडेंटिफायर है जिसकी वैल्यू 2401 है। बाकी के 3 एग्जाम्पल्स में बताओ आइडेंटिफायर कौन सा है? ये रहा आंसर। तो नामकरण भी ढंग से होना चाहिए, ये नहीं कि आप गिल्लू पिल्लू कुछ भी रख दो। पाइथन में नाम रखने के भी कुछ रूल्स होते हैं। वेरिएबल्स स्मॉल a to z से कैपिटल a to z या फिर अंडरस्कोर से शुरू होने चाहिए। आप स्पेशल सिंबल्स को यूज नहीं कर सकते। पाइथन लैंग्वेज केस सेंसिटिव है, जिसका मतलब ये कैपिटल और स्मॉल लेटर को अलग अलग ट्रीट करती है। सो ये पहला वाला PUBG और दूसरा वाला PUBG 2 अलग अलग वेरिएबल्स हैं फॉर पाइथन। एंड फाइनली, वेरिएबल्स कीवर्ड नहीं हो सकते। कुछ वैलिड एंड कुछ इनवैलिड आइडेंटिफायर्स के एग्जाम्पल से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ये वैलिड आइडेंटिफायर्स हैं और ये इनवैलिड। इनवैलिड आइडेंटिफायर्स में मूवी -part इनवैलिड है क्योंकि स्पेशल सिंबल डैश यूज किया हुआ है। 121 श्री श्री इज स्टार्टिंग विद अ नंबर, देन इफ इज अ कीवर्ड, एंड ऑसम .jpg में डॉट है जो स्पेशल सिंबल है, इसलिए ये सब इनवैलिड है। इंपॉर्टेंट नोट, पाइथन में वेरिएबल्स नेम में स्नेक केस स्टाइल फॉलो होता है, जैसे कि एम्प्लॉय _department। आपकी कुछ बुक्स में गलत दिया हुआ है, उसमें कैप्स और अंडरस्कोर दोनों मिक्स किया हुआ है। कीवर्ड्स का मतलब होता है कीवर्ड्स। ये कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं जिनका स्पेशल मतलब होता है, इसलिए पाइथन लैंग्वेज में इनको रिजर्व रखा जाता है। रिजर्व का मतलब कि आप इन्हें आइडेंटिफायर्स की तरह यूज नहीं कर सकते, जैसे कि वेरिएबल नेम या फंक्शन नेम में। पाइथन में कीवर्ड्स की लिस्ट ये है। चलिए अब आते हैं तीसरे टोकन लिटरल्स पर। लिटरल्स को वैल्यूज भी कहते हैं। लिटरल का मतलब होता है नोटेशन फॉर रिप्रेजेंटिंग फिक्स्ड और कांस्टेंट वैल्यू। जैसे x की वैल्यू है 420, इसमें x एक वेरिएबल है, मतलब उसकी वैल्यू वेरी कर सकती है, लेकिन 420 लिटरली 420 है, वो एक कांस्टेंट है। वैसे ये x बहुत परेशान करता है, है तो ये वाकई 420। लिटरल्स मेनली 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले तो टेक्स्ट मैसेजेस, जिन्हें हम स्ट्रिंग्स भी कहते हैं। फिर वो कांस्टेंट जो कि नंबर्स होते हैं, और फिर बूलियन जो सिर्फ ट्रू या फॉल्स होते हैं। स्ट्रिंग में ज़्यादातर वैल्यूज हम सिंगल कोट्स या डबल कोट्स यूज करके असाइन करते हैं, जैसे कि message1। इसके अलावा स्ट्रिंग में मल्टी लाइन वैल्यूज भी असाइन करी जा सकती है। एस्केप सीक्वेंस का स्पेशल मतलब होता है, जैसे \n इज फॉर न्यू लाइन और \t टैब के लिए होता है। न्यूमेरिक लिटरल्स भी काफ़ी सिंपल हैं। ये 2 तरह के हो सकते हैं, इंटीजर और फ्लोट। इंटीजर में नॉर्मल नंबर असाइन करते हैं, जैसे कि a = 25, एंड फ्लोट में डेसिमल पॉइंट्स वाले नंबर्स असाइन करते हैं। इंटीजर में वैल्यूज डिफरेंट न्यूमेरिक सिस्टम्स में भी असाइन करी जा सकती है। बूलियन काफी सिंपल है। बूलियन मतलब होता है केवल 2 वैल्यूज, ट्रू या फॉल्स। नोटिस कीजिए कि ट्रू को पाइथन इंटरनली 1 ट्रीट करता है और फॉल्स को as 0। अब आते हैं चौथे टोकन ऑपरेटर्स पर। एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं 2+3 का। इस एग्जाम्पल में प्लस सिंबल 2 और 3 को ऐड कर रहा है, तो प्लस हो गया ऑपरेटर और 2 एंड 3 हो गए ऑपरेंड्स। सिमिलरली
इस एग्जांपल में मल्टीप्लिकेशन और प्लस का जो साइन है वो है ऑपरेटर। ये ऑपरेटर्स कंप्यूट कर रहे हैं तीन चीजों को, 2 को, z को और 5 को, और ये तीनों है ऑपरेंड्स। तो ऑपरेटर्स ऐसे टोकन्स होते हैं जो कंप्यूटेशन ट्रिगर करते हैं ऑन वेरिएबल्स और अदर ऑब्जेक्ट्स। ऑपरेटर्स इतने सारे हैं कि उनकी डिफरेंट कैटेगरीज डिफाइंड हैं। इनमें से काफी ऑपरेटर्स आपने यूज करे होंगे, जैसे कि प्लस, माइनस, डिवीजन एंड रेज टू द पावर। तो अब आते हैं लास्ट टोकन पंक्चुएटर्स पर, जो कि बहुत ही सिंपल है। इंग्लिश की तरह ही पाइथन में भी फुल स्टॉप, कॉमा, कोलन ऐसे कुछ सिंबल्स हैं जिनका यूज होता है टू स्ट्रक्चर द प्रोग्राम। ये मोस्ट कॉमनली यूज पंक्चुएटर्स हैं। तो देखते हैं आपको अभी तक कितना समझ आया। ये एक छोटा सा पाइथन प्रोग्राम है, इसे थोड़ा समझने की कोशिश करो। अगर सारा प्रोग्राम समझ में नहीं भी आए तो कोई बात नहीं। इसमें फाइंड आउट कि कीवर्ड्स कहाँ हैं, आइडेंटिफाई कौन कौन से आइडेंटिफायर्स हैं, ऑपरेटर्स, लिटरल्स और पंक्चुएटर्स कहाँ यूज हुए हैं। पॉज दिस वीडियो एंड डू दिस एक्सरसाइज। सो आई होप आपने ये एक्सरसाइज सॉल्व करी होगी। इस प्रोग्राम में बेसिकली 15 से लेकर 30 रोल नंबर तक ये चेक किया जा रहा है कि रोल नंबर 2 से डिवाइड होता है या नहीं, दैट मीन्स इवन नंबर है या नहीं। और अगर रोल नंबर इवन नंबर है तो मैसेज शो कर रहे हैं कि बच्चे तेरे लिए एग्जाम ईजी होगा। काश ऐसा होता। सो ये रहा इस एक्सरसाइज का आंसर। इस प्रोग्राम में फॉर, इफ और इन ये रिजर्व वर्ड हैं या कीवर्ड्स हैं। रोल नंबर इज एन आइडेंटिफायर जो कि एक वेरिएबल है। परसेंट एंड डबल इक्वल टू आर ऑपरेटर्स। परसेंट साइन मॉड्यूलो ऑपरेटर है और ये डिवीजन का रिमाइंडर बताता है। बाकी 15, 30 और 0 दीज आर द लिटरल्स। और लास्ट में कॉमा एंड कोलन दीज आर द पंक्चुएटर्स। ये एक और प्रोग्राम है, इसे थोड़ा समझने की कोशिश करो। अगेन अगर सारा प्रोग्राम समझ में नहीं आए तो भी कोई बात नहीं, पॉज दिस वीडियो एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड वट एवर यू कैन। इस प्रोग्राम में हम प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम कवर करेंगे एक्सप्रेशंस, स्टेटमेंट्स, कमेंट्स एंड ब्लॉक्स। एक्सप्रेशंस कम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स होते हैं जो एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि लाइन नंबर 3 में 78 या लाइन नंबर 7 में परसेंटेज ग्रेटर देन 75। ये एक्सप्रेशन है जिनको पाइथन इवेल्युएट करके वैल्यू में कन्वर्ट करता है। तो एक्सप्रेशन कुछ वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, जबकि स्टेटमेंट इन वैल्यू को लेकर कुछ एक्शन परफॉर्म करता है, जैसे कंप्लीट लाइन नंबर 3 या कंप्लीट लाइन नंबर 5 एंड 7 ये स्टेटमेंट्स हैं। कमेंट्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन फॉर प्रोग्रामर्स होते हैं और पाइथन इसे इग्नोर कर देता है। कमेंट्स अलग अलग तरीके से लिखे जा सकते हैं, जैसे लाइन नंबर 1 में ब्लॉक कमेंट है जो कि पूरे प्रोग्राम के बारे में बता रहा है। ये कमेंट आपके लिए ही है, तो आप इसे कुछ भी रिलेटेड और हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन लिखने के लिए यूज कर सकते हैं। लाइन नंबर 7 में एक इनलाइन कमेंट भी है जो एक पर्टिकुलर केस को एक्सप्लेन कर रहा है। अब आते हैं ब्लॉक्स और इंडेंटेशन पर, जो कि बहुत ही जरूरी है। प्रोग्राम में कई बार कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि ग्रुप में परफॉर्म होते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में लाइन नंबर 7 अगर आप देखेंगे, इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 75, तो उस केस में लाइन नंबर 8 और लाइन नंबर एग्जीक्यूट होंगी, यानी कि यू कैन बिकम इंजीनियर और डॉक्टर एंड कीप इट अप, दोनों मैसेजेस प्रिंट होंगे। अदरवाइज लाइन नंबर 11 एंड लाइन नंबर 12 ये दोनों मैसेजेस एक साथ प्रिंट होंगे। तो यहाँ दो डिफरेंट ब्लॉक्स है जिन्हें कभी कभी सूट भी कहते हैं। अरे वो पहनने वाला सूट नहीं, SUITE। बाकी लैंग्वेजेस जैसे कि C, C++ और जावा में कर्ली ब्रैकेट्स को यूज किया जाता है ब्लॉक्स डिफाइन करने के लिए, लेकिन पाइथन में इंडेंटेशन यूज की जाती है, जिसका मतलब ब्लॉक को डिफाइन करने के लिए 4 स्पेस यूज करने पड़ेंगे। और जिन स्टेटमेंट्स को एक कोड ब्लॉक या सूट में रखना होता है उन्हें कोलन के बाद इंडेंट किया जाता है, जैसे इस एग्जाम्पल में लाइन नंबर 7 के एंड में देखिए कोलन है। सिमिलरली लाइन नंबर 10 में कोलन है, कोलन के बाद फिर आपके ब्लॉक्स स्टार्ट होते हैं। तो हमने अच्छे से बैठ के पाइथन की ABCD देख ली। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे, क्योंकि ये ही पाइथन के फंडामेंटल्स हैं। वो कहते हैं ना, अगर नींव हिली हुई होगी तो इमारत तो हिलेगी ही, इसलिए ये कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।